हरे कृष्ण। आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय अटेनिंग द सुप्रीम, जिसका संस्कृत में शीर्षक है तारक ब्रह्म योग, इस पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। यहाँ पे इस अध्याय में भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में और योग मिश्र भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। और जो योगी योग पद्धति में भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, उनके दो प्रकार के गंतव्यों का भी यहाँ पे विवरण आता है। हमने देखा पिछले अध्याय के आखिरी में भगवान ने दो श्लोक जो कहे, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतंतिते ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम, और उसके बाद आखिरी श्लोक, साधिभूतम अधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो यहाँ इन दो श्लोकों में भगवान ने सात नए चीजों पर प्रकाश डाला है। सेवन न्यू थिंग्स हैव कम अप सडनली। व्हाट आर दे? ब्रह्म, हम देखते हैं 29th वर्स में, ते ब्रह्म तद्विदुः, फिर अध्यात्म, कृत्स्नम अध्यात्म, तो ब्रह्म है, अध्यात्म है, फिर कर्म है। इसके बाद में आखिरी श्लोक में अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, और बाद में भगवान स्वयं। तो इस प्रकार से ये सात चीजें अब भगवान इस अध्याय में वर्णन करेंगे। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, और भगवान को स्वयं कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी पर आधारित पहले दो श्लोक इस अध्याय के आते हैं, जहां पर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। व्हाट डज अर्जुन आस्क? अर्जुन उवाच, किम तद्ब्रह्म किमाध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तं अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकालेऽपि च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन प्रश्न करते हैं, ओ माय डियर लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सन, व्हाट इज ब्रह्मन, व्हाट इज सेल्फ, व्हाट आर फ्रूट ऑफ एक्टिविटीज, व्हाट इज दिस मटीरियल मैनिफेस्टेशन, What are demigods? Please explain this to me. Who is the lord of all sacrifices? And how does he live in this body, O Madhusudana? How can those engaged in devotional service know you at the time of death? So we see these seven concepts that have been introduced by Krishna in the last two shlokas of the previous chapter is what Arjuna wants to know in detail. हम देखते हैं संस्कृत में एक शब्द के कई पर्यायवाची अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे ब्रह्म, ये शब्द भगवान को भी इंगित कर सकता है। ब्रह्म, इस शब्द से आत्मा की भी संज्ञा दी जाती है। उसी प्रकार से या आत्मा शब्द शरीर को, मन को, इंद्रियों को या अपने सोल आत्मा को, इन सबको इंगित कर सकता है। सो देर आर मैनी कॉरोलरी मीनिंग्स ऑफ अ सेम वर्ड इन संस्कृत। दैट्स व्हाई वी मस्ट नीड अ गुरु। हमें एक गुरु की आवश्यकता है, प्रामाणिक सोर्स की आवश्यकता है, जो हमें चीजें सही रूप में समझा सके। शास्त्र कहते हैं तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। अगर हमें आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को जानना है तो एक गुरु की शरण लेनी ही होगी। कैसा होना चाहिए वो गुरु? समीत पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समीत पाणि ही, जिसने पूरे आध्यात्मिक विषय को अच्छे से जान लिया है। समीत पाणि, कैसे जाना है
अपने आप जाना है, नहीं श्रोत्रियम, उसने भी अपने गुरु से सुन करके उस ज्ञान को हासिल किया है, अपनी मनगढ़ंत धारणाएं नहीं बता रहा है। वो केवल समीत पाणी श्रोत्रियम नहीं, वो स्वयं उस ज्ञान में परिनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठम। सो वन हु हैज हर्ड इन डिसिप्लिन सक्सेशन, वन हु इज प्रैक्टिसिंग इट इन वन्स ओन लाइफ, एंड वन हु हैज एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिवोशनल सर्विस और आध्यात्म, ही इज अ गुरु। सो यहां अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम करके एड्रेस करते हैं, कृष्ण इज बीइंग एड्रेस्ड एज पुरुषोत्तम, अर्थात अर्जुन कह रहे हैं भगवान आपको छोड़ करके इन संशयों का निवारण करने वाला कोई नहीं है। श्लोक क्रमांक एक में अर्जुन पुरुषोत्तम करके भगवान को पुकारते हैं और दूसरे श्लोक में मधुसूदन करके। सो मेरे जहन में, मेरे मन में जो ये प्रश्न हैं वो मेरी चेतना को बाध्य कर रहे हैं एक राक्षस की तरह। द डाउट्स इन माई माइंड आर किलिंग मी, जस्ट एज यू स्लेड द डीमन मधु, दैट्स वाई यू हैव बीन कॉल्ड मधुसूदन। प्लीज स्ले द डीमन्स ऑफ डाउट्स इन माई माइंड बिकॉज यू आर पुरुषोत्तम, दैट इज वाई ओनली यू कैन डू सो। तो हम देखते हैं अर्जुन प्रश्न करते हैं कि अरे कैसे कोई व्यक्ति भगवान को जान सकता है और अंतकाल में भी भगवान के ऊपर अपनी चेतना को दृढ़ रख सकता है। हम देखते हैं अंतकाल में भगवान के ऊपर ध्यान करना क्या इतना आसान है? नहीं। कुलशेखर महाराज मुकुंदमाला स्तोत्र नामक उनकी एक रचना में बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, वे कहते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरंतम अद्दैव वे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोधन विदौ स्मरणः कुतस्ते। कुलशेखर महाराज कहते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजर, पंजर अर्थात नेट, जाली, आपके दो चरण कमल रूपी जाली में मेरे मन को आज क्या करने दीजिए, आज जकड़े जाने दीजिए। जिस प्रकार से एक मछुआरा जाली डाल करके मछली पकड़ता है, हे भगवान आपके चरण कमलों की सुंदरता कृपया मेरे मन को आज खींच ले। क्यों और कब खींचे? अभी। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरंतम अद्दैव अद्दैव में विशतु मानस राज, मेरे मन के राज हंस को अभी अभी उसमें डूब जाने दीजिए, उस जाली में अटक जाने दीजिए। एक बार मछली जाली में अटक गई कहीं और जा नहीं सकती। उसी प्रकार कुलशेखर महाराज कहते हैं एक बार मेरा मानस रूपी राजहंस आपके चरण कमलों में रत हो गया फिर वो और कहीं नहीं जाएगा। क्यों? आप बोलेंगे अरे क्यों, अभी रुको, अल्टीमेटली अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में मेरा स्मरण करना है। क्या अंतकाल में मेरा स्मरण इतना आसान है? नहीं। कुलशेखर महाराज कहते हैं प्राण प्रयाण समये, जब जीवन का अंत होने वाला होगा, कफ वात पित्त कंठ अवरोधन विदौ, एक व्यक्ति के कफ वात और पित्त उसके कंठ में आ जाते हैं, उसके कंठ से गुर्र गुर्र आवाज होने लगता है, उसका मन उसका शरीर उसके काबू में नहीं है। तो कुलशेखर महाराज कहते हैं स्मरण कुतस्ते, मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा? सो कृष्णा हैड सेड दैट इन द लास्ट वर्स कि जो मुझे हमने कल देखा था, जैसे दोज हू नो मी एज द सुप्रीम क्रिएटर सुप्रीम कंट्रोलर एंड सुप्रीम एंजॉयर प्रयाण काले पी च माम ते विदुर युक्त चेतसः दे विल इवन रिमेंबर मी एट द टाइम ऑफ डेथ। अरे केवल आपको सुप्रीम कंट्रोलर सुप्रीम एंजॉयर और सुप्रीम क्रिएटर मान लिया तो कैसे मृत्यु के समय में आपकी याद आएगी?
सो इस तरीके के से प्रश्न अर्जुन पूछते हैं और इसका उत्तर भगवान कल से देंगे. एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट द लिंक टू द क्विज विच विल बी टेकन ऑन द 7th चैप्टर ऑफ गीता विल बी एक्टिव फॉर 4 days फ्रॉम टुडे. सो हम सभी से भक्तों से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस क्विज में भाग लें और अपने ज्ञान को आजमाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे.